हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एनसी मनीषा ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। हम तो नाश्ता वास्ता इधर हो गया, पते थे बी शिफ्ट कल करके आए, आज फिर ए शिफ्ट में गए हैं। सुबह ही चले गए तो टिफिन उफिन ले नहीं गए हैं। नंसी भी सो के उठ गए थे तो नाश्ता वास्ता हो गया, नहाना धोना करके सबका। चलते हैं नाश्ता वाला बर्तन धुले, चाय वाला भी बर्तन अभी बचा था, नाश्ता वाला भी बर्तन बचा है अभी धुलने के लिए, सब धुल डाले। फिर उसके बाद खाना भी बनाना है अभी, पति से 3 बजे तक ड्यूटी से आ जाएंगे। यहाँ पे तो इतना भयंकर गर्मी हो रहा है कि क्या ही बताए। किचन में घुसते ही जैसे घुसने का तो मन नहीं कर रहा किचन में, लेकिन क्या करें, काम है तो करना ही पड़ेगा। नैन्सी कूलर के यहाँ बैठी है, कूलर का भी हवा है इतना, ऐसा लग रहा है जैसे उमस वाला लग रहा है कूलर का भी हवा। खूब अच्छी हवा, ठंडी नहीं लग रही है। बादल है ना मौसम, करीब 3-4 दिन से यहाँ पे बादल है, इस वजह से बहुत ज़्यादा गर्मी है। नहीं तो हवा चलती है, धूप होती है खूब, तो इतना उमस वाली गर्मी नहीं होती है, लेकिन यहाँ पे 3-4 दिन से खूब बादल है, बारिश भी नहीं हो रही है। इस साल तो यहाँ पे बारिश भी बहुत कम हुई है, नहीं तो हर साल बारिश खूब शुरू हो जाती थी। आज सोच रहे हैं शाम को जाकर वट सावित्री का पूजा का सामान भी लाने के लिए, अब देखते हैं जा पाते हैं कि नहीं। पतिदेव ये शिफ्ट में गए हैं, स्कूटी अंदर रखे, नहीं तो हम खुद ही जाके ले लेते। वो बोल रहे थे कि आएंगे शाम को ड्यूटी से, तब फिर चला जाएगा, क्योंकि फिर इधर 2-3 दिन, कल मंडे है फास्ट मेरा, तो कल जा नहीं पाएंगे। कल मंडे है तो कल फिर जाने का मन नहीं करेगा, कल मेरा फास्ट रहेगा, इस वजह सोच रहे हैं कि आज ही जाके ले लेते हैं। फिर ट्यूसडे वेडनेसडे को, फिर थर्सडे को पूजा है ही, तो उसके बाद सोच रहे हैं, देखते हैं मंदिर में जाके करते हैं या फिर घर पे ही आके कर लेते हैं, क्योंकि गर्मी इतना है कि बाहर निकलने की हिम्मत नहीं हो रही है। हम बाहर जाएंगे तो पतिदेव तो खैर उस दिन उनका ऑफ रहेगा, हम बाहर जाएंगे तो नैन्सी को भी लेके जाना है। बच्चे को बाहर लेके जाना बहुत मुश्किल का काम है। एक दिन इसको हॉस्पिटल लेके गए थे, बाप रे इतना गर्मी, इतना भयंकर वाली गर्मी कि क्या ही बताएं, बहुत गर्मी है बाहर में, अंदर में तो काफ़ी राहत है। जो बाहर में मजदूर सब बेचारे काम कर रहे हैं उन सबका क्या हाल हो रहा है, इतनी भयंकर गर्मी है यहाँ पे। यहाँ पे तो गवर्नमेंट बोल दिया 10 से 3 बजे तक बाहर निकलना ही नहीं है किसी को, लेकिन फिर भी क्या करें। अब जो दिहाड़ी पे काम करता है उसको तो काम करना ही पड़ेगा, जो बाकी ऑफिस में बैठ कर काम करे या फिर फील्ड वर्क है तो उसके लिए तो भाई वो नहीं जा पाएगा, लेकिन जो ये घर वर बनाने का काम कर रहे हैं दिहाड़ी पे, तो वो सब तो करेंगे ही। तो ब्लाउज दे दिए थे सिलने के लिए, तो सिल भी गया होगा। अब साड़ी में फाल लगाना भूल गए थे, क्योंकि याद ही नहीं था कि फॉल भी लगाना है, उसको फॉल ला के रखे थे लेकिन लगा नहीं पाए थे। अब सोच रहे हैं आज धुल लें फिर उसके बाद कल लगा लें, एक दिन में तो फॉल लग जाएगा। तो आज शाम को देखते हैं, राशन भी लेके आना है, ख़त्म हो गया है, क्या क्या कर पाते हैं आज का दिन। पति देव स्कूटी निकाले ही नहीं, नहीं तो जाकर हम अपना कुछ कुछ काम कर लेते, स्कूटी अंदर रहता है तो फिर हम निकाल नहीं पाते वहाँ से। किचन में घुसो, 10 मिनट किचन में नहीं रहा है उसके बाद फिर पसीना से भीग जाते हैं। आजकल तो नैन्सी भी 2-2, 3-3 बार नहाने का जिद करती है, कप में बैठ के नहाती है वो, करीब आधे घंटे तक बाथरूम में ही रहती है, निकलती नहीं है। जा रहा है हाथ को धुले में, बहुत गर्मी हो रही है, इधर फिल्टर चल रहा, फिल्टर का आवाज़ आ रहा होगा। खाना वाना तो बन गया, अब जा रहे हैं पतिदेव के लिए बूंदी का रायता बना दे, क्योंकि 12:30 बजने वाला, नैन्सी को भी खिला वाला के सुला दे, थोड़ी देर सो लेगी, नहीं तो पति देर ड्यूटी से आ जाएंगे तो फिर वो सोती नहीं है।
खाना बन गया, बस रायता बना ले, फिर उसके बाद नैन्सी को सुला, अभी कुड़ी में पानी भरना है। दिखाते हैं हम आप लोगों को कितना मस्त दही जमी है मेरी। ये देखिए दही कितना अच्छी जमी है, ठीक वाली। पति देव ना दही नहीं खाते हैं, इसलिए उनके लिए रायता ही बना देते हैं, गाढ़ा गाढ़ा रायता बिना पानी डाले, इसी को घोल के थोड़ा सा इसमें बूंदी डाल देते हैं तो खा लेते हैं। वो ऐसे दही नहीं खाते हैं क्योंकि गर्मी में दही वही खाना चाहिए। हम तो खुद ही नहीं खाते हैं, लेकिन क्या करें, पति देव को देते हैं खाने के लिए। वो ऐसे दही नहीं खाते हैं, ऐसे तो जितना दे देते हैं बूंदी का रायता उतना खा लेते हैं, गाढ़ा गाढ़ा बिना पानी डाले बना देते हैं तो खा लेते हैं, नहीं तो खीरे का भी रायता वो नहीं खाते हैं। नैन्सी तो कुछ नहीं खाती, दूध भी ज़बरदस्ती पिलाना पड़ता है, बाकी कुछ नहीं उसका भी चलता है। वही हाल मेरा है, मुझे भी नहीं कुछ चाहिए होता है। चले बना लेते हैं फटाफट से रायता, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।